प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको शनि से छठे भाव में बन रही राशि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। शनि से छठा भाव, उससे जुड़ी मैं आपको विभिन्न जानकारी पूर्व में दे चुका हूं। इससे जुड़ी मैं आपको विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहा हूं, जिसमें अभी तक मैंने आपको शनि से छठे भाव में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव प्रदान करेगा उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा मैंने शनि से छठा भाव आपकी कुंडली का कौन सा भाव है उसकी भी जानकारी आपको प्रदान करी है। और अब आज मैं आपको शनि से छठे भाव में जो राशि बन रही है उसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके करियर पर पड़ेगा, आपके कर्म पर पड़ेगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि शनि से जो छठा भाव होता है ये आपके कार्य क्षेत्र के विरोधियों को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन से अपने संबंधों को अच्छा रखना है जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से आप बच सके, आज मैं आपको इन सभी की जानकारी देने वाला हूं। तो इसमें बहुत सी जानकारी मैंने पूर्व में दी है, जो नहीं देख पाए वो आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा जब देखना चाहे तब देख सकते हैं। सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, चैनल पर जाएंगे तो भी मिल जाएंगी। आप उसे उसमें शनि से जुड़ी सभी वीडियो को, अलग अलग भाव की वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो आप जानते हैं शनि कर्म का कारक ग्रह है। इससे छठे भाव में जो भी राशि बनेगी वो काल पुरुष की कुंडली की जिस भाव की राशि होंगी उससे जुड़ा प्रभाव भी आप अपने जीवन में अवश्य से महसूस कर पाएंगे। जैसे अगर शनि से छठे भाव में मेष राशि आ जाती है तो इसका अर्थ यही है कि आपको अपने ऊपर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मेष राशि लग्न की प्रथम भाव की राशि होती है। इसीलिए आपके शनि कहीं भी बैठे हो उससे छठे भाव में अगर मेष राशि आएंगी तो ये आपको इसी बात को दर्शा रही है कि आपको यही चाहिए कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, ये बात तय है, क्योंकि शनि आपके लग्न से मतलब आठवें में गए हैं, आपके शरीर से आठवें में गए हैं, लग्न से नहीं मेष राशि से शनि आठवें में है, इसीलिए यह मेष राशि शनि के छठे में है। और आपका शरीर ही अगर आपके कर्म में विरोधी है, इसका मतलब यही है कि आपको ये चाहिए कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें, अपनी दिनचर्या को सही बना करके रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देख पाएंगे कि आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे और जीवन में संघर्ष आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप अपने सेल्फ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने शारीरिक मजबूती के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके शनि को कमजोर करेगा, क्योंकि शनि आपकी मेष राशि से मतलब मेष राशि शनि से छठे भाव में आ रही है तो आपकी हेल्थ ही या आप स्वयं ही अपने कार्य के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, ये इस बात को दर्शा रही है। तो किस प्रकार आप कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका हेल्थ के रूप में है, दूसरा आपके कार्य करने के तरीके के रूप में, यानी आप अच्छी तरह कार्य ना करें, कार्य को टाले, लापरवाही करें तो भी ये संभव है कि आपको ये शनि का जो प्रभाव है ये अच्छा ना मिले, जो मेष राशि छठे में जा रही है ये इतना अच्छा प्रभाव न प्रदान कर पाए। कई बार देखने को मिला कि जब शनि से छठे भाव में मेष राशि होती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में मजबूत विरोधी मिलते हैं, कार्य क्षेत्र में जो इसका विरोध करते हैं वो अपने आप में बहुत प्रबल या फिर उच्च वर्गीय लोग होते हैं, उच्च पद के लोग होते हैं, और व्यक्ति के जीवन में फिर जो वो परेशानी देते हैं वो भी बड़ी मात्रा में होती है या उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो ये आप देख पाएंगे ये शनि के कारण होता है, शनि से छठे में बन रही मेष राशि के कारण होता है। लेकिन ये मेष राशि चाहती क्या है, मेष राशि चाहती है रूल्स एंड रेगुलेशन और साथ ही साथ अनुशासन। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने हेल्थ के लिए भी अनुशासन बनाए, अपने जीवन के लिए भी अनुशासन बनाए और सभी काम को समय से डिसिप्लिन मैनर में करें तो आपको अच्छा प्रभाव ये शनि अवश्य से देने का काम करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि शनि से छठे भाव में वृषभ राशि आती है तो वृषभ राशि आप जानते हैं घर परिवार कुटुंब को भी दर्शाती है, और शनि से छठे भाव में ये आएंगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कुटुंब के तरफ बढ़ जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं उनके लिए अधिक करना पड़े या ये संभव है कि उनके विरोध में जाकर आपको आगे बढ़ना पड़े।
क्योंकि यहां पर ये बात तय हो जाएगी कि उनके तरफ से प्रॉब्लम आने की स्थिति ज्यादा है, आपको वो किसी कारण से प्रॉब्लम में डालने का काम कर रहे हैं, या फिर आपको ये बोल सकता हूं मैं कि आपको अपने कार्य से भटकाने का कार्य कर रहे। लेकिन आपको चाहिए सोच विचार कर आप अपने करियर का निर्णय ले, अपने केवल घर परिवार पर सब कुछ ना छोड़ दे, अपने सेल्फ से आप निर्णय लेने का प्रयास करें, तो ये शनि का प्रभाव कुछ अच्छा रहेगा। शनि जब भी आप देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में वृषभ राशि होगी, तो कार्य क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे, आपको अन्य का सपोर्ट भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ पाएंगे, ये बात अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि ये वृद्धि कारक राशि है वृषभ राशि और शनि से छठे में है, तो ये जरूर है कि आपकी विरोधी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों में वृद्धि करेंगी, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि ये आपको धन आदि भी देने का काम करेंगी, जीवन में आगे बढ़ाने का भी काम करेंगी, करियर में ग्रोथ देने का भी काम करेगी। फिर यहाँ यही कहूंगा कि आपको अपने भोजन पर अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना है, आपके अन्य से संबंध कैसे है, आप अन्य से किस प्रकार कनेक्ट होते हैं, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप ठीक रखते हैं तो आप देख पाएंगे शनि का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। फिर शनि से छठे भाव में अगर आप देखते हैं मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि आप जानते हैं दोस्त मित्र आदि के साथ में आपके बोलने की वाद विवाद की शैली को भी दर्शाती है, आपकी लिखावट को, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आदि है उनको भी ये दर्शाती है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने दोस्त मित्र आदि से अच्छे संबंध रखें। आपके दोस्त मित्र आदि कई बार संभव है कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, या आपने किसी प्रकार से कोई चीजों को लाइटली लिया और हंसी मजाक में कार्य को टाल दिया, तो परिणाम ये निकल सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए। आपने किसी को कुछ गलत बात बोल दी या गलत जगह आपने साइन कर दी अपने कार्य क्षेत्र में, तो ये भी एक बड़ी परेशानी का कारण है जो आपके कार्य क्षेत्र पर बन सकता है। इसीलिए अगर मिथुन राशि शनि से तीसरे छठे भाव में है, तो आपको चाहिए कि आप अपने कार्य को सही तरीके से करें, अन्य पर विश्वास करके न करें। अगर कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्त मित्र आदि से संबंधों को अच्छे करें, या आपके जो पड़ोसी है घर के उनसे संबंधों को अच्छा रखें, आप देख पाएंगे कि इससे आपके कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी दूर होगी। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम अगर आपको कभी भी यह उपाय के रूप में आप समझ करके चले कि आपके जीवन में अगर कभी परेशानी आती है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने दोस्त मित्र आदि को कोई या तो पार्टी दे, कोई ट्रीट दे, तो आप देख पाएंगे कि उससे आपका ये जो शनि का छठा भाव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके करियर में आ रही सभी प्रकार की रुकावट दूर होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने भोजन पर, अपने कार्य करने के तरीके पर, अपनी वाणी पर, अपने लिखावट पर, अपने किसी भी चीज पर साइन करने की स्थिति पर आपको विशेष ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जितना आप इनको अच्छा रखेंगे, उतना आप अपने करियर को अच्छा कर पाएंगे, करियर में आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये देख पाते हैं कि आपके जो शनि है, शनि से छठे भाव में कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली की चतुर्थ भाव की राशि है, ये इमोशन की राशि है, भावनाओं की राशि है, अन्य पर विश्वास करने की, जनता के लिए करने की राशि है। आपको ये चाहिए कि लोगों से अपने संबंध अच्छे रखे, लोगों से घुल मिल करके रहे, और साथ ही साथ उन्हें अपनी तरफ से जो दे सके वो देने का प्रयास करें, भले उनसे सपोर्ट ना मिले लेकिन आप सपोर्ट करते रहे, आप सहायता देते रहे। इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि शनि से छठे भाव में कर्क राशि आ रही है, इसीलिए एक और चीज जो आपको चाहिए वो ये होती है कि शनि से जब भी छठे में कर्क राशि है, तो आप अपनी माता से संबंध अच्छे रखें, या ये मैं कहूंगा कि माता से जितने अच्छे संबंध आपके रहेंगे, उतना अच्छा आपका करियर होता चला जाएगा। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि यही विश्वास आपके पतन का कारण बन सकता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है। शनि से छठे भाव में कर्क राशि हो, तो ये कर्क राशि सुखों की है, कंफर्ट की है, कई बार आप इतना उसमें कंफर्ट या भोग विलास में इतना मतलब लिप्त ना हो जाए कि आपको परेशानी आ जाए, यानी आपका कंफर्ट आपके करियर को बिगाड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उससे आपको बचाव करना है। कई बार देखने को मिला कि ऐसी स्थिति में जो आप सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, वो कई बार काम जल्दी बन नहीं पाते, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है, और आप भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े परेशान रहते हैं, मानसिक चिंता आपको अधिक रहती है। इसीलिए आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आप अपने आप को मेंटली थोड़ा फिट रखने का प्रयास करें, मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छा आगे बढ़ पाएंगे, और मन को नेगेटिव थॉट से आपको बचा कर रखना है, फिर आप देखेंगे आपको ये शनि आपको अच्छा प्रभाव करियर में देंगे, आपके कार्य भी बनेंगे और आप जीवन में सफल भी हो पाएंगे। इसके अलावा शनि से छठे भाव में आप देखते हैं कि सिंह राशि बनी हुई है, तो सिंह राशि आप जानते हैं ये राशि होती है कहीं ना कहीं एक रॉयल साइन है, सूर्य जो राजा है ग्रहों का,
उसको दर्शाती है, पंचम भाव को भी दर्शाती है। तो आपके जो प्रियजन है, आपके से जो कनेक्टेड है, मन से आपके जो कनेक्टेड है, हृदय से आपसे जो कनेक्टेड है, ये उन लोगों को दर्शाती है। इसीलिए इसमें दोस्त मित्र आदि, प्रेमी प्रेमिका, आपके स्वजन आदि सभी आ जाते हैं। इसलिए आपको उनसे संबंध अच्छे रखने हैं। जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान आप जितना करेंगे, आपके करियर में परेशानी उतनी कम आएगी। आप अपने पिता से अच्छे संबंध जितने रखेंगे, अपने बॉस से जितने अच्छे संबंध रखेंगे, आप देख पाएंगे इस राशि का प्रभाव उतना अच्छा आपको मिलेगा। फिर यहाँ एक और बात ये भी आती है कि शनि से जब भी छठे भाव में आप देख पाएंगे कि सिंह राशि हो तो सिंह राशि भी सूर्य की है और सूर्य भी हेल्थ के लिए प्रमुख ग्रह होते हैं। तो आप अगर अपने आप की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, विशेषकर अपने पेट को सही रखते हैं, अपने पाचन को सही रखते हैं, तो आप देख पाएंगे आपका शनि आपको करियर में अच्छा प्रभाव देगा। आपको करियर में परेशानी तभी आएंगी जब आपकी हेल्थ में कुछ खराबी आए। आपको चाहिए अपना मान सम्मान बना करके रखे। कार्य क्षेत्र पर आपने अपने मान सम्मान को गवा दिया तो ये समझ करके चले कि करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही कोई जीवन में सुख अच्छा अर्जित आप कर पाएंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि से छठे भाव में सूर्य की राशि है, ये संतान को भी दर्शाती है। तो संतान के लिए आगे चलकर आपको अच्छा करना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए और उनसे अच्छे संबंध रखना चाहिए। आप देख पाएंगे ये भी आपके करियर में आपको सपोर्ट देने वाला बनेगा। तो ये चीज है कुछ। इसमें आपको पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा को भी आप अपनी अहमियत दे सकते हैं। आप अच्छा सीखते रहेंगे, सदैव कुछ ज्ञान अर्जित करते रहेंगे तो भी आप अपने करियर में आने वाली परेशानियों से बच पाएंगे। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर आप देख पाएंगे शनि से छठे भाव में अगर आपके जो राशि आती है वो राशि है मुख्य रूप से तुला, माफ कीजिए, कन्या राशि। तो शनि से छठे में जब कन्या राशि होंगे तो कन्या राशि को अच्छा और बुरा दोनों तरफ लिया गया है। इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों तरफ लिया गया है क्योंकि मेनली ये राशि शनि से छठे में आ रही है तो विरोध करने वाली, परेशानी देने वाली है। लेकिन यही राशि आपका मन करती है कि मुझे अपना कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, यानी मन में कंफ्यूजन देती है। बहुत सारी फील्ड ये राशि आपके सामने खोल देती है क्योंकि बुध की राशि और बुध लर्निंग को दर्शाता है। आप सीख करके कोई भी चीज आगे प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी चीज को जल्दी सीख सकते हैं। तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि जब भी कन्या राशि शनि से छठे में होती है तो ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड देखने को मिलते हैं। लेकिन होता यही है कि किसी एक फील्ड में आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। इस कारण से कई बार ऐसा व्यक्ति करियर में थोड़ा अपने आप को पिछड़ा हुआ या कमजोर समझता है। इसीलिए यहाँ पर यही आवश्यकता की बात है कि शनि से छठे भाव में कन्या राशि हो तो आप सीखते रहे, लर्निंग आप करते रहे, एजुकेशन या फिर जो अपने करियर से जुड़ा या कुछ आपके कार्य से जुड़ा आप सीखते रहे। लेकिन ये भी जरूरी है कि जब भी शनि से छठे भाव में कन्या राशि हो तो आप फोकस किसी एक ही जगह रखें। अगर फोकस किसी एक ही जगह रखेंगे तो आप जीवन में सफल भी हो पाएंगे और बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप आगे अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। बाकी शनि से छठे भाव में अगर कन्या राशि हो तो कन्या राशि अच्छा प्रभाव देती है व्यक्ति को। जरूर अब वो कन्फ्यूजन दे या बहुत सारी बातें मन में आती रहे, लेकिन उसके बाद भी सही दिशा में व्यक्ति आगे बढ़े तो जीवन में सुखी होता है। शनि से छठे भाव में तुला राशि हो तो तुला राशि मैनेजमेंट की है, बैलेंस की है। तुला राशि ही आपके व्यापार की है, तुला राशि ही पार्टनरशिप की है। अगर आपने अपने संबंध अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से अच्छे रख लिए तो आप देख पाएंगे कि आपका जो करियर है उसमें आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी से या पार्टनर से जो आपके कार्य क्षेत्र पर है उनसे विवाद करते हैं तो आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं आपके करियर में प्रॉब्लम अधिक आ जाएगी। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखें। आपको चाहिए सामंजस्य बिठा करके रखें, सभी काम को सामंजस्य बिठा कर तुलनात्मक रूप से करें तो आपके शनि अच्छे रहेंगे। विशेषकर ये स्थिति वैसे तो व्यापार के लिए बहुत मजबूती दे रही है, लेकिन अगर आप नौकरी भी करते हैं तो जहां भी रहे लेडीज वर्ग का सम्मान करें। तुला राशि स्त्री वर्ग को भी दर्शाती है क्योंकि, तो उनका सम्मान करें आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर में ग्रोथ कराने वाला रहेगा। तुला राशि है तो आपका मन भी यहाँ पर स्वयं का काम करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए जा सकता है, लेकिन आपको चाहिए सोच विचार कर किसी भी निर्णय पर पहुंचे, किसी की कही सुनाई बातों पर ध्यान ना दे, अपने मन से निर्णय ले और थोड़ा सोच विचार करके ले, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले। वैसे ये स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर आपके जीवन साथी से संबंध खराब है तो फिर आपके लिए परेशानी है, तो उसका थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी आप देख पाएंगे शनि से जैसा कहा छठे भाव में तुला है तो अच्छा है, संबंध अच्छे रखे स्त्री वर्ग आदि से, जीवन साथी से, पार्टनर से तो अच्छा रहेगा। शनि से अगर छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है तो आप देख पाएंगे शनि से वृश्चिक राशि का आना संघर्ष दे रहा है, ये ऐसे गुप्त शत्रु दे रहा है जो आपके अपने हैं।
आपके अपने ही कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उनसे संबंधों को खराब करते हैं। विशेषकर यहाँ पर कई बार देखने को मिला कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं वही कई बार सामने आ जाते हैं। इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना है, आपको सदैव तैयार रहना है कि आपने जिसके ऊपर विश्वास किया था वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, या जिनके बारे में भी आप ये नहीं सोचा था कभी कि ये तक मुझे किसी प्रकार से धोखा देंगे, वो धोखा दे सकते हैं, ये बात आपके सामने आ सकती है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने जीवन काल में इन सब धोखों से बचने के लिए या तो पहले तैयार रहे, और दूसरों पर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है, क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। आप दूसरों पर निर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिल सकती है कि वो अन्य को फिर एक तरह से मतलब एक सपोर्ट मिल जाए, या फिर एक अन्य को मतलब आप अन्य पर निर्भर हो गए तो अन्य फिर आपको इजीली धोखा दे करके जा सकते हैं, या फिर आपको ठग सकते हैं, आपको लूट सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पर ये बात तो तय है कि शनि से जब छठे भाव में वृश्चिक राशि आ रही है तो थोड़ी कंफ्यूजन आपके मन में भी रहेंगी, थोड़ी कंफ्यूजन करियर के लिए भी रहेंगी, और थोड़ी कंफ्यूजन आपके कार्य में आगे बढ़ते समय रुकावटों के रूप में आपके सामने आएंगी। तो इसीलिए आपको उन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, लेकिन अपने दम पर रहना है। आप सोचिए अच्छे संबंध बना लेने से, जैसे अच्छे जुड़ जाने से आपको अच्छा प्रभाव मिल जाएगा, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर कमी वाली बात है। आपको अपने ससुराल वर्ग से और वहां के लोगों से आपको संबंध अच्छे रखने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल आपके जीवन में निभा सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने में, तो आपको ध्यान रखना। फिर शनि से छठे भाव में अगर धनु राशि है तो आपको रिलीजियस रहना है, आपको धार्मिक रहना है, आपको कहीं ना कहीं अन्य की सहायता करना है, परोपकार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, आपको सदैव अपने कर्म पर विश्वास रखना है, भाग्य पर नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये बात हो जाएंगी कि शनि से छठे भाव में जो कि धनु राशि है वो इस बात को दर्शा रही है कि आप अगर अपने भाग्य पर विश्वास करके सभी काम को छोड़ देंगे तो आप यही देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में परेशानी आएंगी। धनु राशि जो है ये मेहनत को भी दर्शाती है, हालांकि भाग्य की भी राशि यही है, लेकिन ये आपके शनि से विरोध में है, इसलिए कई बार आपको महसूस हो सकता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं बस उतना ही फल आपको मिल रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, इस तरह की बात करियर में आपके लिए हो सकती है, क्योंकि शनि से छठे भाव में आपकी धनु राशि बनी है। लेकिन आप धार्मिक रहेंगे, आप बड़ों का सम्मान करेंगे, गुरुजनों का, पिता का, बॉस का आप सम्मान करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इससे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप ये देख पाएंगे इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन में करियर में अच्छा आपको आगे बढ़ा पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि से छठे भाव में मकर राशि हो तो देखिए मकर राशि भी संघर्ष की है। अब मेहनत ही आपकी विरोधी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको चाहिए कि अब आप मेहनत का नहीं अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आप सोचते हैं कि बस मेहनत करने से ही सब प्राप्त कर पाऊंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यानी बुद्धि का उपयोग करके किसी कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आप ज्यादा सफल हो पाएंगे कंपेयर टू आप अगर केवल मेहनत करते रहे। तो आपको ये सोचना है कि किस दिशा में बढ़ना आगे सही हो सकता है, किस तरह बढ़ना सही हो सकता है, और क्या इसमें कुछ दूसरा तरीका है इसको आगे करने का। तो आप अपने जीवन को जितना आसान बुद्धि के बल पर बना लेंगे उतना अधिक ये मकर राशि आपको सपोर्ट करेंगी छठे भाव में शनि से होकर के। अगर ऐसा होता है कि आप केवल मेहनत करे जा रहे हैं बिना सोचे विचारे, तो फिर आपको प्रभाव इतना नहीं मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, जितना हासिल कर सकते उतना नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा ये उपयोग करना है कि बुद्धि का भी उपयोग हो, अपने ज्ञान का भी उपयोग हो जाए, और आप सही तरीके से सही दिशा में सही समय पर आप प्रहार करें तो आपको परिणाम जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वो बोला जाता है कि लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, तो बस वही बात है यहाँ पर शनि से छठे में मकर राशि होने पर, कि आप उस समय का इंतजार करें और एक सही समय आप देखें जीवन में कब है, और उस समय एक पूरा अपना प्रयास दे 100% अपनी मेहनत से आप देख पाएंगे सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि बार बार आप प्रयास करते जा रहे हैं, निराशा हाथ लग रही तो चिंता कर रहे हैं, ये आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको पीछे कर देगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी मकर राशि जैसे पिता को, बॉस को, उच्च वर्गीय लोगों को, आपसे ऊंचे जो पद में है उनको दर्शाती है, तो आप उनसे अच्छे संबंध रखें, उनसे अपने आप को अच्छा जोड़ करके रखें, और मेहनत तो खैर करना ही है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि शनि से जब छठे भाव में कुंभ राशि होती है तो कुंभ राशि भी यहाँ पर शनि की ही राशि है और ये लाभ भाव की राशि है। आपको ये चाहिए कि धन कमाते समय धन के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप धन के बारे में सोच रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं,
तो आप देख पाएंगे कि वो लाभ की जो स्थिति आप सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, या काम होने के पहले आपके मन में आ गया कि अब ये काम होने वाला है और अब मुझे इतना लाभ इससे होगा, तो आप देखेंगे वो काम आपका रुक सकता है, नहीं बन पाए, इस तरह की बात आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपका काम बने वो तभी हो पाएगा, उससे लाभ हो आपको वो तभी हो पाएगा जब आप अपने कार्य को केवल करने पर ध्यान देंगे बजाय उसके लाभ की तरफ, क्योंकि लाभ आपके विरोध में है। जो 11वां भाव 11वीं राशि है वो लाभ भाव की राशि है, तो लाभ आपके विरोध में है, आपके कार्य के विरोध में है। यानी आप इसमें हो सकता है कि जितनी मेहनत करें उसके बदले में उतना लाभ आपको नहीं हो पाए। तो ये एक बात क्या दर्शा रहा है कि आपको यही चाहिए कि आप लाभ की चिंता छोड़े, आप अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो लाभ आपके विरोध में है वो सपोर्ट में आ जाएगा, आपको अच्छा परिणाम देने लग जाएगा। साथ ही साथ आपके उम्र में जो बड़े है, बड़े भाई है, बड़े पिता है, मेनली जो घर में जिसके साथ बड़े का संबोधन लगाया जाए, इस तरह के कोई व्यक्ति, उनसे आपको संबंध अपने अच्छे रखना है, विशेषकर बड़ा भाई बड़े बहन, उनसे तो विशेष रूप से रखना ही है। आप देख पाएंगे उसका सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में अवश्य से मिले और आपके करियर में ये आपको आगे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होंगे अगर आप इनसे संबंध अच्छे रखते हैं तो। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल तो नहीं कहा जाएगा, आपका सर्कल वो फिर सामाजिक हो, आपका केवल पर्सनल हो, आपका केवल आपके कार्य से जुड़ा हुआ हो, कैसा भी आपका जो सर्कल हो, जो लोग आपसे कनेक्टेड हो, जो जुड़े हुए हो, आपके जो कॉन्टेक्ट हो, उन लोगों से आपको बनाए रखना अच्छे संबंध, उनको अपने आप अपने साथ जोड़ करके रखना है। कभी भी ऐसा नहीं कि अकेले रहना, एकांत प्रिय रहना है, ऐसा करने लग जाएंगे तो भी आपको परेशानी आएगी। इसीलिए आपको चाहिए कि आप केवल और केवल अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिन लोगों से आप कनेक्टेड है, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, उनसे अपने संबंधों को अच्छा रखें, उनको जोड़ करके रखें, डेली उनसे, डेली या कभी न कभी उनसे शीघ्र आप मिलते रहा करें, बातचीत करते रहा करें, तो आप देखेंगे ये आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होगा, आपको अच्छा प्रभाव देने में सहयोगी सिद्ध होगा। इसके अलावा शनि से छठे में आप देखते हैं कि मीन राशि है, तो मीन राशि अगेन थोड़ी कंफ्यूजन दे सकती है, मन में उलझन या चिंता दे सकती है, लेकिन आप देख पाएंगे कि शनि से छठे में मीन राशि है तो आपको परोपकार, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्यों से जोड़ करके जितना आप रहेंगे उतना अधिक आपके करियर में आने वाली परेशानी दूर होंगी। आपको कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल, जेल या अन्य चीजें जो है आपको परेशान ज्यादा कर सकती है। यानी अगर आप ये देखने को मिले कि आप परोपकार आदि नहीं कर रहे, आप गलत काम कर रहे, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये आपके करियर को हानि जरूर पहुंचाएगा, तो इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। आपको यही चाहिए कि शनि से छठे में अगर आपकी मीन राशि आती है तो अन्य की सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं, अन्य के लिए आप किस प्रकार सोच सकते हैं, अन्य को किस प्रकार आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो अगर इसका आप ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में बन रही जो मीन राशि है ये आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा पाएंगी। ये कन्फ्यूजन दे सकती है करियर में, या विरोधी या फिर आपके अन्य जो कार्य में कोई गलतियां निकालने वालों की संख्या भी बढ़ा सकती है कुछ समय पर, लेकिन मेन मुख्य बात यहाँ पर यही है कि आपको अन्य के लिए करना है, अन्य के लिए सोचना है। जब आप अन्य के लिए कुछ करने लग जाएंगे तो आपके करियर में आने वाली परेशानी या संघर्ष अपने आप दूर हो जाएंगे और आप देख पाएंगे जीवन में आपको सफलता अवश्य से मिल जाएगी। तो ये बात है शनि से छठे भाव में बन रही राशि की, जिसमें मैंने आपको मेष से लेकर मीन राशि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करी है। आप अब ये तो छोटी छोटी बातें मैंने जोड़ करके बताई, आप इसमें और प्रभाव जोड़िए, ये दो दो तीन तीन बातें जो मैंने बताई उसको और विस्तार अपने मन से सोचिए, विस्तार से सोचिए, आप देख पाएंगे कि आपको जो परिणाम मिल रहा है इसका किस प्रकार का मिल रहा है, और फिर राशि को, भाव को, ग्रहों को, सबको एक साथ मर्ज करके समझिए ये शनि से छठा भाव क्या बता रहा है, किससे आपको संबंध अच्छे रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में आने वाले करियर की परेशानियों से बच पाएंगे और आप अपने जीवन में एक श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज मैंने आपको ये जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। आगे फिर शनि से कोई किसी अन्य भाव की जानकारी आपको दूंगा, किसी अन्य भाव की बात करेंगे, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।